सेवेंथ स्टैंडर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर 9 द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मराठा का स्वतंत्रता युद्ध। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज द मराठास फॉट विद ग्रेट वैल्यूअर विद द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति राजाराम महाराज एंड महारानी ताराबाई टू प्रोटेक्ट द स्वराज। This long war that lasted for 27 years is called the Maratha War of Independence. In 1682, Emperor Aurangzeb himself led the invasion of South. Even then, despite enormous difficulties, the Marathas emerged victorious in this struggle. This war is an exciting and glorious period in the history of India. In this chapter, we shall learn about this war of independence. छत्रपति शिवाजी महाराज के डेथ के टाइम पे स्वराज्य की रक्षा करने के लिए मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष किया। ग्रेट वैल्यू फॉट मतलब उनसे लड़ाई की। सो ये फाइट ये संघर्ष 27 वर्ष चला, 27 ईयर्स ये चलते रहा, लॉन्ग फॉर 27 ईयर्स। सो इसी को बोला जाता था, ये संघर्ष को बोला गया है मराठा का स्वतंत्रता युद्ध, मतलब ही मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इन ईयर 1682 में औरंगजेब बादशाह दक्षिण में साउथ में चलकर आया एंड फिर भी मुगलों के साथ हुए इस युद्ध में अनेक डिफ़िकल्टीज बहुत सारे डिफ़िकल्टीज बाधाओं को मात देते हुए मराठे विजय हुए। सो भारतीय इतिहास में यह स्वतंत्रता युद्ध दिस वॉर इज़ एन एक्साइटिंग एंड ग्लोरियस पीरियड इन द हिस्ट्री। सो इस हिस्ट्री के अंदर ये एक्साइटिंग एंड ग्लोरियस बन गया ये जो वॉर था ऑफ इंडिया। सो अपन इस वी शल लर्न अबाउट दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो अपन इस चैप्टर के अंदर यही स्वतंत्रता युद्ध के बारे में पढ़ने वाले। छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 May 1657 ऑन द पुरंदर फोर्ट। After Shivaji Maharaj, he became the Chhatrapati. At this time, the Marathas were battling against the Mughals. During the same period, Emperor Aurangzeb's sons, Shahzada Akbar, rebelled against his father. The Emperor crushed his rebellion. Then Akbar came to the Deccan to take shelter with Sambhaji Maharaj. Then the Emperor himself descended on the south in 1682 to vanquish Akbar. He had with him a huge army and a powerful artillery. He asked the Siddhi of Jinjira to undertake an expedition against the Marathas. He also won over the Portuguese to his side. Consequently, Sambhaji Maharaj had to face many adversaries at one and the same time. सो छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। सो उनका बर्थ उनका जन्म 14 मई 1657 को पंडरपुर किले में हुआ। सो शिवाजी महाराज के जब शिवाजी महाराज थे तो शिवाजी महाराज के पश्चात वे छत्रपति बने, मतलब शिवाजी महाराज रहते से ही वो छत्रपति बने। सो उस टाइम पे मराठों का मुगलों के साथ संघर्ष जारी था। सो ऐसी स्थिति में ऐसे टाइम पे औरंगजेब बादशाह का बेटा शहजादा अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, अपने पिता के खिलाफ गया। सो औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचल दिया, औरंगजेब ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कुचल दिया। देन उसके बाद अकबर दक्षिण में मतलब साउथ में संभाजी महाराज के आश्रम में चला गया। सो अकबर का दमन करते हुए इन ईयर 1682 में स्वयं औरंगजेब दक्षिण में आया
सो वह अपने साथ विशाल सेना ग्रेट आर्मी एंड शक्तिशाली तोपखाना ले आया, ठीक है, ह्यूज आर्मी एंड पावरफुल आर्टिलरी, जो तोपखाना होते जो तोपे होती है जिससे वो लोग हमला करते हैं, वो सब वो अपने साथ ले आया। देन उसने जंजीरा के सिद्धि को मराठा के विरोध में अभियान चलाने को कहा, ठीक है, जंजीरा के सिद्धि को। देन उसने पोर्तुगीज को अभी अपने पक्ष में कर लिया, पोर्तुगीज को उसने अपने साइड में कर लिया, ही ऑल्सो वन ओवर द पोर्तुगीज टू हिज साइड। सो संभाजी महाराज को एक ही समय में कई शत्रुओं का सामना करना पड़ा एट द सेम टाइम। सो द रीजन ऑफ संभाजी महाराज मार्क्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आफ्टर शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज हैड गिवन हिम एक्सीलेंट एजुकेशन इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स। संभाजी महाराज हैड बिगन टू टेक इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द कमांड ऑफ द आर्मी फ्रॉम द एज ऑफ द 14 ईयर्स। व्हाइल ही वॉज स्टिल अ प्रिंस ही हैड लेड अटैक्स ऑन मेनी टेरिटरीज ऑफ द मुगल्स एंड द आदिल शाह। देन French traveler Abbe Carre says about his battle skills, even though the prince is young, he is courageous and brave like his father was famous for. So Sambhaji Maharaj ka jo bhi karyakal tha, unka jo bhi time tha, theek hai, marks the first chapter of the at a time, theek hai, जो उनका काल था, जो टाइम था, तो कार्यकाल शिवाजी महाराज के पश्चात हुए मराठों के स्वतंत्रता युद्ध का प्रथम अध्याय था, वो जो था वो फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। देन शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में ही उन्हें राज्य प्रशासन और सैनिकी अभियानों की उत्तम शिक्षा प्रदान की थी उन्होंने, ठीक है, बचपन में उनको ये सब मिल गया था, मतलब ये सब एजुकेशन मिल गया था उनको। देन 14 साल की उम्र में ही उन्होंने राज्य शासन प्रशासन और सैनिक की प्रभुत्व की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया था, मतलब ये 14 ईयर्स की एज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था सब देखना, उनका जो भी फाउंडेशन उन्होंने का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सभी को 14 साल की उम्र में देखभाल करने लगे। सो अपनी युवावस्था में उन्होंने मुगलों और आदिलशाही के कई प्रदेशों पर आक्रमण किया, एंड इसी एज में वाइल ही वॉज स्टिल अ प्रिंस, इसी एज में जब वो प्रिंस थे तभी उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज मुगलों के बहुत सारे प्रदेशों और आदिलशाह पे हमला भी किया। देन उनके युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए तत्कालीन फ्रांसिस प्रवासी एबे कैरे कहता है, मतलब फ्रांसिस मतलब ही एक फ्रेंच ट्रैवलर था जो कि इनके बैटल के ऊपर क्या कहता है, वो कुछ बोलता है, एबे कैरे क्या बोल रहा है, इवन दो द प्रिंस इज यंग ही इज करेजियस एंड ब्रेव लाइक हिज फादर वॉज फेमस फॉर। सो युवराज छोटा है, यंग है, फिर भी करेजियस एंड ब्रेव, फिर भी धैर्यशाली और अपने पिता की कीर्ति के अनुरूप की शूरवीर है, मतलब जैसे उसके पापा फेमस थे ब्रेवरी के लिए और करेजिस के लिए, वैसे ही वो भी फेमस है। व्हेन संभाजी महाराज बिकेम छत्रपति द वॉर विद द मुगल्स बिकेम फ्रीसर्स। सो औरंगजेब वांटेड टू ऑक्युपाई रीजन्स फ्रॉम काबुल टू कन्याकुमारी एंड क्रिएट अ ग्रैंड Unified Mughal Empire. His dream was to destroy the Maratha state completely using this his military and financial prowess. But Sambhaji Maharaj shattered his dreams with his bravery and military skills. Troops of the Maratha army attacked many of the Mughal territories. Through the emperor's generals tried very hard for a long time. They couldn't win the Maratha fort of Ramsey
रामसेज नियर नाशिक. दस संभाजी महाराज वॉरियर ब्रॉट औरंगजेब टू हिज नीज. वंस रिमूव्ड हिज टर्बन इन फ्रस्ट्रेशन एंड थ्रेव इट ऑन द फ्लोर, ही मेड अ वाव दैट अंटिल ही हैड वनिश्ड संभाजी ही वुड नॉट वेयर हिज टर्बन. संभाजी महाराज हैड रेंडर्ड औरंगजेब हेल्पलेस टू हिज एक्सटेंट. मतलब संभाजी महाराज ने छत्रपति बनने के टाइम पे मराठों का मुगलों के साथ चलने वाला संघर्ष अधिक प्रखर था, बहुत ज़्यादा फ्रियसर था. लेकिन औरंगजेब का उद्देश्य काबुल से कन्याकुमारी तक मुगलों का एक छत्र शासन निर्माण करना था. ठीक है, एकदम. सो अपने विशाल सैनिक की और आर्थिक शक्ति द्वारा मराठों का राज्य फिर से नष्ट करना उसका स्वप्न था. उसका एक एम था, एक ड्रीम था कि वो फिर से उसको नष्ट करे. बट लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर उसका यही स्वप्न धूल में मिला दिया. मतलब उसका स्वप्न, उसका जो भी स्वप्न था वो पूरा नहीं होने दिया. हिज ड्रीम विल ब्रेवियन विल ड्रॉप ऑफ द मराठा आर्मी अटैक्स. ओके, सो फिर उसने क्या किया, उसके सैनिक की टुकड़ियाँ जो भी मिलिट्री मराठा आर्मी अटैक मेनी ऑफ द मुगल टेरिटरीज. सो उसके जो भी सैनिक की टुकड़ियाँ थे मुगलों के प्रदेशों में आक्रमण करती. सो नाशिक के समीप, उसके पास में, नाशिक के पास में रामसेज का किला था. तो इस किले को औरंगजेब ने सेनानी दीर्बल दीर्घकाल तक प्रयास करने के बावजूद जीत नहीं पाए. इतना ट्राई करने के बावजूद भी वो उसको नहीं जीत पाए. सो इस तरीके से संभाजी महाराज ने अपने शौर्य से औरंगजेब को त्रस्त कर दिया, अपने घुटने के बल ला दिया. देन एक बार तो औरंगजेब ने क्रोध में आकर अपने सिर का मुकुट जमीन पर पटका और एक वाव लिया, एक शपथ. वाव मतलब क्या होता है, शपथ लेना. ठीक है, उनको इतना गुस्सा आया कि उतना का जो भी ये था उनका मुकुट था सिर पे का, उन्होंने अपटा और गुस्से में आके और एक शपथ लिया, प्रतिज्ञा की कि जब तक इस संभाजी को हरा नहीं दूंगा तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूंगा. तो ऐसा उन्होंने एक वाव लिया था. तो संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना विवश कर दिया था कि वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाए. देन उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट है कैंपेन अगेंस्ट द सिद्धि. सो कैंपेन अगेंस्ट द सिद्धि ऑफ जंजीरा यूज्ड टू हरास द पीपल इन द मराठा टेरिटरी. ही यूज्ड टू रेड बर्न एंड लूट द मराठा टेरिटरी एंड कमिट अट्रोसिटीज. सभासद हार डिस्क्राइब हिम एज अ rat in the house. Sambhaji Maharaj started a campaign against him in 1682. His army laid a siege to Siddhi's Dandarajpuri fort and battered the fort of Janjira with the artillery. But at the same time, the Mughal army invaded Swaraj. Sambhaji Maharaj had to abandon the Janjira campaign and turn back. मतलब जंजीरा के सिद्धि मराठा प्रदेश में उत्पात मचाता था. ठीक है, वो हरास करता था, उत्पात मचाता था, लोगों को तंग करता था. सो मराठों के प्रदेश पर धावा बोलकर वह आगजनी, लूटपाट और अत्याचार करता था. ठीक है, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, परेशान करता था. सो इतिहासकार सभासद ने उसका वर्णन इस शब्दों में किया है कि घर में जैसे चूहे वैसे राज्य में सिद्धि होती है. तो यहाँ पे जैसे मतलब उसको डिस्क्राइब क्या किया है सभासद ने, रैट इन द हाउस जैसे घर में चूहे होते हैं वैसे ही. सो संभाजी महाराज ने इन ईयर 1682 में उसके विरुद्ध अभियान चलाया, उसके अगेंस्ट में कैंपेन चलाया. सो मराठों ने सिद्धि के अधिकार वाले
डंडाराजपुरी किले को घेर लिया और जंजीरा पर भी जबरदस्त तोपे चलाए, पर ठीक उसी समय पे एट द सेम टाइम मुगलों ने स्वराज्य पर आक्रमण किया। तो देखो दोनों तरफ से ये था, यहाँ पे अभी वहाँ पे उधर पे बैटल चल रहा था एंड अभी यहाँ पे सेम मुगलों ने उसी टाइम पे स्वराज्य पे हमला किया। फलस्वरूप उसका ये आया क्या आखिर में क्या हुआ, संभाजी महाराज को जंजीरा अभियान अधूरा छोड़कर लौटाना पड़ा। जो भी उनका जो जंजीरा अभियान चल रहा था उसको फिर छोड़ के उन्होंने वो इधर स्वराज्य वापस आए, क्योंकि स्वराज्य पे हमला हो रहा था। देन कैंपेन अगेंस्ट द पोर्तुगीज, मतलब ये पोर्तुगीज के विरुद्ध अभियान। द पोर्तुगीज ऑफ गोवा ज्वाइंट हैंड्स विद द एम्परर अगेंस्ट द संभाजी महाराज। सो संभाजी महाराज डिसाइडेड टू टीच ए लेसन टू द पोर्तुगीज। ही अटैक द रेवदंदा फोर्ट, रेवदंदा फोर्ट ऑफ द पोर्तुगीज इन 1683। टू काउंटर दिस द पोर्तुगीज लेड अ सीज टू द फोंडा फोर्ट ऑफ द मराठास ऑन द गोवा बॉर्डर। द मराठास ब्रोक थ्रू द सीज एंड अटैक गोवा। इन दिस बैटल येसाजी कंक कंक शोर ग्रेट वैल्यूर। द पोर्तुगीज गवर्नर गॉट वुंडेड एंड रिट्रीटेड एंड रिट्रीटेड। संभाजी महाराज फॉलोड हिम। द पोर्तुगीज वेर इन डीप ट्रबल। एट दिस टाइम संभाजी महाराज गॉट द न्यूज दैट द मुगल्स हैड अटैक्ड साउथ कोकण। देयरफॉर ही हैड टू अबंडन द विनिंग कैंपेन ऑफ गोवा एंड रिटर्न टू फाइट विद द मुगल्स। गोवा के पोर्तुगीज संभाजी महाराज के विरुद्ध अपोजिट अगेंस्ट औरंगजेब से मिल गए थे। जो भी उनके अगेंस्ट थे वो सब औरंगजेब से मिल गए थे। संभाजी महाराज ने पोर्तुगीज को सबक सिखाने का एक निश्चय किया, सबक सिखाने का डिसाइड किया। उन्होंने इन ईयर 1683 में पोर्तुगीज के रेवडंडा बंदरगाह पर, रेवडंडा फोर्ट फोर्ट पर किले पर धावा बोला, अटैक किया। इसके वजह से पोर्तुगीज ने गोवा की सीमा पर स्थित मराठों के फोंडा किले को घेर लिया था, क्योंकि उन्होंने रेवदंडा किले पर धावा बोला था, इसलिए इन्होंने क्या किया, फोंडा किले को घेर लिया था। फिर मराठा ने घेरा तोड़ा, मराठों ने फिर क्या किया, वो जो घेरा था वो तोड़ दिया और गोवा पर आक्रमण किया। इस वॉर में येसाजी ने शौर्य की पराकाष्ठा की। क्या किया उन्होंने, येसाजी कंक ने अपना ग्रेव वैल्यूअर दिखाया इस बैटल के अंदर। इसमें पोर्तुगीज गवर्नर हताहत हुए। जो भी पोर्तुगीज गवर्नर जो भी बैटल के अंदर थे, लड़ रहे थे, वो जख्मी हो गए। हताहत मतलब जख्मी हो गए। उसे पीछे हटाना पड़ा, उन लोगों को जितने भी लोग जख्मी हो गए उन्हें पीछे हटाना पड़ा। संभाजी महाराज ने उसका पीछा किया। पोर्तुगीज बड़े संकट में घिर गए। उसी टाइम पे उसी समय संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा दक्षिण कोकण पर आक्रमण किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। उनको ये न्यूज़ मिली कि दक्षिण कोकण के इलाके में आक्रमण होने वाला, हमला होने वाला। फिर क्या हुआ, फलस्वरूप हाथ आई गोवा की सफलता को छोड़कर जो भी वो जैसे वो गोवा के कैंपेन को जीत ही रहते, अभियान को जीत रहे थे, पर उसे छोड़कर उन्हें मुगलों का प्रतिकार करने के लिए गोवा लौटना पड़ा, सॉरी वापस लौटना पड़ा, गोवा लौटने नहीं पड़ा उनको, रिटर्न बैक्स विद द मुगल, मुगल से फिर से लड़ाई करने के लिए उनको वापस जाना पड़ा, गोवा का जो भी कैंपेन संघर्ष था उसको छोड़ के। द एंड ऑफ आदिल शाही एंड कुतुब शाही।
औरंगजेब डिड नॉट सक्सीड इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द मराठास देयरफॉर दे सस्पेंडेड दैट कैंपेन देयरफॉर ही सस्पेंडेड दैट कैंपेन देन ही टर्न टूवर्ड्स द किंगडम्स ऑफ आदिल शाह एंड कुतुब शाह एंड कॉन्कर देम सो द एंड ऑफ आदिल शाह एंड कुतुब शाह मतलब ही आदिल शाह और कुतुब शाह का अंत एंड सो मराठों के विरुद्ध अगेंस्ट चलाए जा रहे अभियान में औरंगजेब को सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी मतलब वो नहीं जीत पा रहे थे सो उनने मराठों के विरुद्ध उस अभियान को स्थगित कर दिया रोक दिया सो अब उसने आदिलशाही और कुतुबशाही राज्यों के विरुद्ध मोर्चा खोला अभी वो सफल इसमें उनको सफलता नहीं मिली उसमें सक्सीड नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने वो जो कैंपेन था वो रोक दिया था फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया वो जो भी आदिलशाही और कुतुबशाही के राज्यों के विरुद्ध फिर मोर्चा निकाला ठीक है तो औरंगजेब ने ये राज्य जीत लिया फिर ही वोन दैट ही वोन द दैट राज्य सो द वेल्थ एंड आर्मी ऑफ बोथ द किंगडम्स वॉज नाउ एक्वायर्ड बाय द मुगल्स एंड इट मेड औरंगजेब इवन स्ट्रॉन्गर देन ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑल हिज माइट ऑन डिफीटिंग द मराठास He attacked their territory from all sides. The Maratha army general Hambirao Mohite got killed during an encounter with the Mughal army. Due to this blow, the military strength of Sambhaji Maharaj was weakened. So, the wealth and army of both the kingdoms. मतलब इन दोनों kingdoms की संपत्ति और सैनिक की सामग्री मुगलों के हाथ लगी वेल्थ मतलब संपत्ति आर्मी सैनिक सो ये दोनों भी मुगलों के हाथ लगी सो औरंगजेब की स्थिति गृढ़ हो गई थी इट मेड औरंगजेब इवन स्ट्रॉन्गर औरंगजेब और शक्तिशाली हो गया था सो इसके पश्चात इसके चलते औरंगजेब ने मराठों को पराजित करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी उन्हें में हरा दू करके इसके लिए उन्होंने अपना सारा जो भी स्ट्रेंथ था वो सब कॉन्सेंट्रेशन सब लगा दिया था देन उसने मराठी प्रदेश पर चारों ओर से हमले किए पर मुगल सेना का प्रतिकार करते इस टाइम पे मराठा सेनापति हंबीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हुए मराठी आर्मी हंबीरराव मोहिते गॉट किल्ड ड्यूरिंग एन एनकाउंटर विद द मुगल आर्मी के तरफ से उनका एनकाउंटर हो गया उसमें वो मारे गए सो ड्यू टू दिस इसका परिणाम क्या हुआ संभाजी महाराज का सेना पक्ष दुर्बल हो गया था वीक हो गया था जो भी संभाजी महाराज की मिलिट्री थी फोर्स थी वो वीक हो गई थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संभाजी महाराज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ही होता है राज्य प्रशासन संभाजी महाराज का राज्य प्रशासन So, even though Sambhaji Maharaj was busy fighting on various battle fronts, he did not ignore his administrative responsibility. He continued the prompt justice and revenue system, which was a characteristic of Chhatrapati Shivaji Maharaj era. He severely punished the landlords who harassed common people and who rebelled against the Swaraj. He gave administrative powers to Maharani Yesubai. He gave her own stamp. He continued the legacy of Shivaji Maharaj's welfare policy. So, Sambhaji Maharaj युद्ध की दौड़ धूप में निरंतर व्यस्त रहे मतलब वो बैटल के अंदर फाइट करते समय ज़रूर व्यस्त थे बिजी थे पर उन्होंने जो भी उनका काम था जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको इग्नोर नहीं किया उन्होंने शिवाजी महाराज के कार्यकाल में प्रचलित निरपेक्ष न्याय प्रथा और राजस्व व्यवस्था को उसी रूप में उन्होंने आगे भी जारी रखा जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर जो चलता आ रहा था न्याय देना जस्टिस देना रेवेन्यू करना सो वो सब उन्होंने अभी भी कंटिन्यू रखा चाहे वो कितने ही बिजी क्यों न हो लड़ाई के अंदर सो
स्वराज्य के विरुद्ध विद्रोह करने वाले तथा सामान्य प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले वतनदारों अथवा जागीरदारों को कठोर दंड दिया। जो भी लोगों को हरास करता था, परेशान करता था, उन लोगों को उन्होंने दंड भी दिया, मतलब पनिश भी किया। तो और महारानी येसुबाई को राज्य प्रशासन के अधिकार दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दिया। सो उसकी उनकी अपनी मुर्दा बनवा कर भी दी, उनका एक खुद का उनका एक हर ओन एक स्टैम्प भी बनवा के दिया। एंड शिवाजी महाराज की प्रजाहित की नीति को उन्होंने अपने कार्यकाल में आगे जारी रखा। जो भी उनकी लेगेसी थी शिवाजी महाराज के टाइम से, उन्होंने इसको आगे रखा, कंटिन्यू करा। संभाजी महाराज ने संस्कृत एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस वेल। ही स्टडीड मेनी एंशियंट बुक्स ऑन पॉलिटी एंड राइट देयर क्रिक्स इन द बुक कॉल बुद्धभूषण। सो संभाजी महाराज को संस्कृत भाषा के साथ और कई लैंग्वेजेस भी आती थी। सो उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, ही स्टडीड मेनी एंशियंट बुक्स। सो उन्होंने ग्रंथ भी लिखे और राजनीति पर लिखे गए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने ये सबको स्टडी, एंशियंट बुक्स को स्टडी भी की, उन्होंने जो भी प्राचीन ग्रंथ थे उनको स्टडी भी की और उन ग्रंथों का सार उन्होंने बुद्धभूषण ग्रंथ में प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ये सब का जो भी उन्होंने रीड किया था, जो भी उन्होंने पढ़ा उसके बारे में, उसमें इसके अंदर भी क्या क्या बोलेंगे सार किया, मतलब इसके बारे इसमें भी थोड़ा बहुत लिखा है उसके बारे में। देन डेथ ऑफ संभाजी महाराज। अभी संभाजी महाराज के डेथ के बारे में देखेंगे, उनके मृत्यु के बारे में। औरंगजेब वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डिफीट संभाजी महाराज। ही हैड प्लेस्ड मुकर्रब खान इन चार्ज ऑफ द कोल्हापुर प्रोविंस। मुकर्रब खान लर्न दैट संभाजी महाराज वॉज एट संगमेश्वर इन कोकण। ही रेडेड द प्लेस एंड कैप्चर्ड संभाजी महाराज। व्हेन संभाजी महाराज वॉज टेकन टू द एम्परर, ही फेस्ड हिम फियरलेसली। बाय द एम्परर्स ऑर्डर्स ही वॉज brutally put to death on 11 March 1689. This Maratha Chhatrapati did not compromise his self-respect and faced his death nobly and bravely. The Marathas took inspiration from his sacrifice and intensified their fight against the Mughals. Aurangzeb Sambhaji Maharaj ko maat dene ke prayatno ko पराकष्ट कर रहा था, मतलब ही ट्राई कर रहा था मैं उनको कैसे हराऊं, उनको कैसे डिफीट करूं, इसके लिए वो बहुत ट्राई कर रहा था। तो उसने मुकर्रब खान को कोल्हापुर प्रांत में नियुक्त किया था, प्रोविंस में मतलब इंचार्ज बनाया था। देन मुकर्रब खान को समाचार मिला कि संभाजी महाराज कोकण में संगमेश्वर नामक स्थान पर है। तो उसे ये पता चला कि वो इस जगह पर कोकण में है। देन उसने छापा मारकर संभाजी महाराज को बंदी बनाया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया और संभाजी महाराज ने अपने सामने अपना आत्मसम्मान नहीं त्यागा। इसके बाद बादशाह के आदेश पर 11 मार्च 1689 को उनकी अति क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। उनका क्या किया, ब्रूटली पुट द डेथ, उनको मारा गया, एकदम बुरी तरीके से उनको मारा गया। पर फिर भी उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, अपनी रिस्पेक्ट नहीं झुकाया। सो मराठों के छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना किया। उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर अब मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष अधिकार प्रखर किया, अगेंस्ट उनके अगेंस्ट फाइट उन्होंने स्टार्ट की। ये जो भी संभाजी महाराज से इंस्पिरेशन लेके देन अभी अपन पढ़ेंगे छत्रपति राजाराम महाराज इनके बारे में। राजाराम महाराज वॉज द सेकेंड सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। सो शिवाजी महाराज के वो कौन थे, सेकेंड दूसरे बेटे थे।
ही वॉज बॉर्न ऑन 24 फरवरी 1670 ऑन रायगढ़। ही बिकेम छत्रपति आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज। उनका जन्म कब हुआ? 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में। और छत्रपति संभाजी महाराज के डेथ के बाद वो छत्रपति बने। सो नाउ औरंगजेब दैट सॉरी नाउ औरंगजेब थॉट दैट हिज ड्रीम ऑफ विनिंग द मराठा किंगडम वुड बी रियलाइज्ड रिलीज। ही सेंट जुल्फिकर खान टू पुट रायगढ़ अंडर सीज। सो औरंगजेब को लगा कि मराठों का राज्य जीतने का उसका सपना अब पूरा होगा। सो उसने रायगढ़ को घेरने के लिए जुल्फी खान को भेजा। दैट टाइम राजाराम महाराज एंड हिज वाइफ महारानी ताराबाई एंड संभाजी महाराज वाइफ महारानी येसुबाई एंड हिज सन शाहूवेर ऑन रायगढ़। सो उस टाइम पे उस समय राजाराम महाराज और उनकी पत्नी महारानी ताराबाई, संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनका बेटा शाहू रायगढ़ में ही थे। इट वॉज रिस्की फॉर ऑल मेम्बर्स ऑफ द रॉयल फैमिली टू स्टे एट वन प्लेस। सो इस सभी का एक ही जगह पर रहना असुरक्षित था, अनसेफ था। सो महारानी येसुबाई टैकल दिस अनप्रेसिडेंटेड कैलमिटी वेरी ब्रेवली, रिजॉल्विंग दैट शी वुड नॉट सरेंडर टू द मुगल्स अंडर एनी कंडीशंस। शी टुक मेनी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस ऑन रायगढ़। इट वॉज डिसाइडेड दैट राजाराम महाराज शुड एस्केप फ्रॉम रायगढ़ एंड इफ नेसेसरी गो टू अ फार ऑफ प्लेस लाइक जिंजी। It was decided that the fight to defend Raigarh would continue under the leadership of Maharani Yesubai. Maharani Yesubai chose to make Rajaram Maharaj and not her own son of Chhatrapati. Her decision is a shining example of her love for Swaraj and her extreme selflessness. She kept the Maratha Chhatrapati secure without regard for her own life or that of her son. So, इस स्थिति में येसुबाई ने इस टाइम पे इस विकट संकट का सामना बड़े ब्रेवली के साथ किया। सो किसी भी हालत में मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकने थे। यही निश्चय कर उन्होंने रायगढ़ पे महत्वपूर्ण राजनीति निर्णय की, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन लिया। इसके बाद इसके अनुसार यह नीति तय की गई कि राजाराम महाराज रायगढ़ के घेरे से बाहर निकले और आवश्यकता पड़ने पर जिंजी जाए तथा महारानी येसुबाई अपने नेतृत्व में रायगढ़ पर युद्ध करे। येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजाराम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय लिया। देखो, उन्होंने अपने बेटे को नहीं बनाया छत्रपति, उन्होंने किसको बनाया? राजाराम महाराज को। सो यह निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। सो ये उनका जो लव फॉर स्वराज है, हर लव फॉर स्वराज, सो ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। सो उन्होंने अपने और अपने बेटे के प्राणों को परवाह न करते हुए मराठा के छत्रपति को सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने विदाउट रिगार्ड्स फॉर हर ओन लाइफ और दैट ऑफ हर सन, उन्होंने अपने या फिर अपने बेटे का सुरक्षा ख्याल नहीं रख, जान की परवाह नहीं करते हुए स्वराज्य की सुरक्षा का ध्यान रखा। देन राजाराम महाराज लीव्स फॉर जिंजी। राजाराम महाराज का जिंजी प्रस्थान। ऑन 5 अप्रैल 1689 राजाराम महाराज एस्केप फ्रॉम द बिसाइड रायगढ़ विथ अ फ्यू ऑफ हिज एसोसिएट्स। ही डिसाइडेड टू गो